हेलो दोस्तों, आज फिर एक और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं हुंडई के शोरूम के ऊपर, हुंडई के शोरूम के अंदर आज हम बात करने वाले हैं i20 मॉडल के बारे में। ये हुंडई की तरफ से आने वाली i20 पेट्रोल गाड़ी है। ये जो आप मॉडल देख पा रहे हो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट वेरियंट इस गाड़ी का होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं i20 मैग्ना मॉडल है, जो कि आपका पेट्रोल वर्जन है। आपको पेट्रोल एंड डीजल में i20 देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम दोस्तों सबसे सस्ती जो कि वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हर कंपनी की होती है, बेस मॉडल पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी होने वाली है, जिसका माइलेज भी अच्छा है और जिसका प्राइस भी अच्छा है, उस बारे में हम अब सभी डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बार आप ओवरऑल गाड़ी का बेस मॉडल का व्यू देख लीजिए, उसके बाद मैं डिटेल में सभी बातें आपके सामने करने वाला हूं। I'll take a lot less. Show maps. Backup needed. We lost him. It seems like everybody wants you. I'm born magnetic. The all-new i20. Born magnetic. हाँ तो दोस्तों, आपने पूरा व्यू देख लिया होगा। अब हम एक एक करके गाड़ी की डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं गाड़ी की हेडलाइट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे, साथ में आपको हेलोजन ही इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको DRL देखने को मिलेंगे। नीचे जो इसमें फॉग लैंप दिए गए हैं, स्पेशल बेस मॉडल के अंदर आपको फॉग लैंप जो है इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप देखने को मिलेंगे। सामने से देखने में कुछ आपकी गाड़ी इस तरह की होने वाली है। साथ में आपको दोस्तों यहाँ पे हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो इस गाड़ी की सामने की ग्रिल आप देख पा रहे होंगे, इसमें ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है। पीछे से भी आपकी गाड़ी ग्लोसी फिनिशिंग के साथ में आएगी। नीचे की भी आप ये जो देख पा रहे होंगे, पूरी की पूरी आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी और प्यारी लग रही है। क्योंकि ये गाड़ी बेस मॉडल है, तो आप इसको देख के बता ही नहीं सकते कि ये गाड़ी बेस मॉडल होगी। अब हम दोस्तों बोनट के बारे में बात करेंगे, तो कुछ इस तरह का आपको कर्व बोनट देखने को मिल जाएगा, जिसमें काफी लंबी लंबी आप ये देख पा रहे होंगे इस तरह की लाइनिंग दी गई है, जो कि आपको देखने के में काफी अच्छी और प्यारी गाड़ी नजर आ रही होगी। अब हम दोस्तों गाड़ी के ड्राइवर वाली साइड में जाएंगे, तो सबसे पहले हम टायर के बारे में बात कर लेते हैं। जो आप दोस्तों इस गाड़ी का ये टायर देख पा, दिया गया है 185/65R 15 इंच ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ ये गाड़ी देखने को मिलने वाली है। इसमें कोई अलॉय व्हील नहीं आता, क्योंकि ये गाड़ी आपकी बेस मॉडल होने वाली है। इसमें आपको स्टील रिम देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे फेंडर के अंदर ही टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम ORVM के बारे में बात करेंगे, तो आपको बॉडी कलर्ड ही ORVM इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हुए गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो कुछ इस तरह के आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे, जो गाड़ी कलर्ड ही आपको डोर हैंडल दिए गए हैं। साथ में मैं दोस्तों आपको इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बता देता हूँ। 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों गाड़ी के बैक साइड में आएंगे, तो कुछ इस तरह से आपकी गाड़ी बैक साइड से देखने में होने वाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीछे से देखने में दोस्तों आपकी गाड़ी कुछ इस तरह की नजर आने वाली है। इसमें आपको हेलोजन टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको i20 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको इसमें दो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, एक सेंसर आपको यहाँ और एक आपको देखने को यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों पीछे की बात करें, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लाइट देखने को मिल जाएगी। लाइट के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से आपको एंटीना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हम दोस्तों बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको 311 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। पीछे की जो दो रियर सीट दी गई है दोस्तों, ये 60/40 नहीं है, ये पूरी एक सीट फिक्स दी गई है। इसको आप यहाँ से उठा के क्लोज करके इस गाड़ी को सीट को जब आप क्लोज करोगे, तो आपका बूट स्पेस बढ़ जाएगा। तो 311 लीटर का ऑलरेडी इसमें बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। के बाद दोस्तों जो इसका स्पेयर टायर होता है, वो भी आपको यहाँ पीछे देखने को मिल जाएगा। ये जो आप स्पेयर टायर देख पा रहे हो दोस्तों, ये 14 इंच दिया गया, जो कि आपका 1 इंच मेन से भी टायर से कम होने वाला है। तो कुछ इस तरह का आपको 14 इंच इसमें सीएट का रियर टायर स्पेयर टायर देखने को मिल जाएगा।
एग हुक भी दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे कोई लाइट नहीं देगी, कोई पार्सल ट्रे कंपनी की तरफ से नहीं आती, लेकिन आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे लगाने के लिए जगह दी गई है, आप पार्सल ट्रे खरीद के एसेसरी का पार्ट है आप लगवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की आपकी पूरी की पूरी बूट स्पेस के बारे में जानकारी होगी। अब मैं बूट स्पेस क्लोज करके बाकी आगे की आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो लेफ्ट साइड से देखने में आपकी गाड़ी कुछ इस तरह की नजर आने वाली है। अब हम दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, मैं आप एक एक करके सभी फीचर्स के बारे में, इंटीरियर के बारे में, जो भी इसके अंदर बेस मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया यहाँ पे आप अपने की लगा के भी गाड़ी ओपन कर सकते हैं, और इस तरह की आपकी रिमोट की दी गई है, लॉक अनलॉक एंड ये होल्ड करके आप अपना बूट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको एक सिंपल की और एक ऐसी रिमोट की देखने को मिल जाएगी, इसको आप दबा के अनलॉक करोगे तो इसमें हॉर्न भी बजता है और आपके इंडिकेटर भी जलते हैं। तो इस गाड़ी को आप ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों मैं, जैसा कि मैंने बताया गाड़ी बेस मॉडल है, लेकिन बेस मॉडल होने के बाद इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है, जितने आपको फीचर्स की आम जिंदगी में नीड होती है वो सभी फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो देखने को मिल जाएंगी, ड्रायर वाली वन टच विंडो आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में ORVM के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, के बाद आपको लॉक अनलॉक और साथ में यहाँ पे आपकी ट्विटर की प्लेसिंग की गई है, साथ में यहाँ पे आपको स्पीकर, चारों डोर में आपको स्पीकर और दो ट्विटर के साथ आपको गाड़ी देखने को मिलने वाली है, साथ में यहाँ पे आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों गाड़ी के आगे के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, तो जो आपके टायर प्रेशर की जानकारी है वो भी हुंडई ने यहाँ पे दे दी है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको टायर प्रेशर की जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं दोस्तों आपको सीट के बारे में बता देता हूँ, आपको फैब्रिक सीट देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी हाइट एडजस्टेबल नहीं है, बाकी आपको ये सब आगे पीछे और ये एडजस्ट हो जाएगी। आगे की दोनों सीटें जो दी गई है दोस्तों वो आपको हेड एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी, जो पीछे की सीट दी गई है वो हेड एडजस्टेबल नहीं दी गई, वो फिक्स है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों गाड़ी में आगे की बात करेंगे, तो कुछ इस तरह का आपको गाड़ी का स्टीयरिंग दिया गया है, मैं अब आपको स्टीयरिंग की डिटेल देने वाला हूँ। अब हम दोस्तों गाड़ी के अंदर के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह का आपको स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो, इसमें आपको दो एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, साथ में आपको म्यूजिक के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरे के पूरे म्यूजिक के और मोबाइल कनेक्टिविटी कॉल उठाने के लिए और कॉल कट करने के लिए यहाँ पे आपको फीचर दिए गए। ये जो आप रीसेट और ट्रिप देख पा रहे हो ये आपके MID के लिए दिया गया है, साथ में दोस्तों आप MID देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह की MID आपको देखने को मिल जाएगी, बीच में आपको TFT डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, मैं इसको ऑन ऑफ करके भी आपको दिखा देता हूँ। जब आप ऑन करते हुए कुछ इस तरह के सभी इंडिकेशन आपको नजर आ जाते हैं। इसके अंदर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे 220 का आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे RPM का मीटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दोस्तों पेट्रोल की जानकारी, यहाँ पे इंजन हीट की जानकारी देखने को मिल जाएगी, ट्रिप ए और बी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल और इंडिकेटर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप इंडिकेटर्स एंड अपनी हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कुछ इस तरह के आपको हेडलाइट के मैनुअल कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपनी वाइपर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो कुछ इस तरह का आपका म्यूजिक सिस्टम होने वाला है क्योंकि ये गाड़ी बेस वेरिएंट है जैसा मैंने आपको बताया, तो बेस वेरिएंट में आपको इस तरह का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह देखने को मिल जाएगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद दोस्तों ये आप देख पा रहे हो इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए बाकी ये सभी बटन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम AC की बात करें तो दोस्तों ये कुछ इस तरह के इसमें दो AC वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको चार इंडिकेटर चलाने के लिए, पार्किंग के लिए ये बटन यहाँ पे दे दिया गया है। कुछ इस तरह का पूरा सामने से इंटीरियर होने वाला है, आप गाड़ी के इंटीरियर को अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का आपका पूरा कैबिन इंटीरियर होने वाला है। तो दोस्तों आपको AC के सभी कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, आपको मैनुअल देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बेस मॉडल गाड़ी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। नीचे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको USB यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पे भी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा, 5-speed गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, साथ में आपको रिवर्स कुछ इस तरह की आपको गियर नॉब देखने को मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक इस तरह का देखने को मिल जाएगा, गाड़ी के बेस मॉडल का आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है कुछ इस तरह का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बेस मॉडल में सभी कंपनियां इस तरह का आपको आर्मरेस्ट नहीं देती। आर्मरेस्ट के बाद दोस्तों हम आगे बढ़े तो ग्लव बॉक्स की बात करेंगे, ग्लव बॉक्स में आपको कुछ इस तरह का ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब हम दोस्तों ग्लव बॉक्स के बाद बात करेंगे आगे सनवाइजर की, जो ड्रायर वाला सनवाइजर आपको यहाँ पे प्लान देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको IRVM मैनुअल IRVM देखने को मिल जाएगा, इसको आप हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं, डे और नाइट के हिसाब से आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। IRVM के बाद हम दोस्तों बात करें सनवाइजर की, को ड्रायर वाला सनवाइजर जो दिया गया है वो मिरर के साथ दिया गया है, यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको कैबिन की लाइट देखने को मिल जाएगी जो कि आपको हेलोजन येलो लाइट्स देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो इसको आप पुश करने से आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी बेस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, पीछे भी तीनों सीट पे आपको देखने को मिल जाएगा, ड्राइवर को छोड़ के आपको बाकी की तीन सीट पे ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह का आपका कैबिन गाड़ी का ओवरऑल होने वाला है। अब हम दोस्तों सेकंड रो के बारे में बात करेंगे पीछे जाके। तो सेकंड रो की बात करें तो कुछ इस तरह का आपका सेकंड रो दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सेकंड विंडो की पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह का ग्लोसी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीकर की प्लेसिंग यहाँ पे दी गई है, बोतल होल्डर के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। कुछ इसके बाद दोस्तों हम सेकंड रो के बारे में बात करेंगे तो कुछ एक छोटा सा ग्लास आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अब हम सीट की बात करें तो काफ़ी अच्छी आपको एक फ्लैट सीट देखने को मिल जाएगी जिस पे तीन लोग आराम से आसानी से अपना सफर तय कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं दोस्तों इसमें आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। जो आप देख पा रहे हो इसमें आपको थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, काफ़ी क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं, बीच में बम्प नहीं दिया गया। मेरे बैठने के बाद आप देख पा रहे हो इसमें तीन लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं और पीछे से देखने में ओवरऑल लुक आपका कुछ अंदर से गाड़ी का i20 का बेस मॉडल का ऐसा होने वाला है। उसके बाद मैं दोस्तों आपको दिखा दूँ बेस मॉडल के अंदर आपको पीछे भी AC के वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको ये देख पा रहे होंगे चार्जिंग USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि फास्ट चार्जिंग दिया गया। कुछ छोटा सा स्पेस आपको यहाँ भी देखने को मिल जाए। दोस्तों स्पेस की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरी हाइट 5.10 इंच है और मैंने आगे की सीट भी अपने हाइट के अकॉर्डिंग ही सेट की थी, तो आराम से इसमें पांच लोग आराम से बैठ के सफर कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पीछे से देखने में आपका इंटीरियर फ्रंट ऐसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल आपका अंदर की पूरी गाड़ी का इंटीरियर कुछ ऐसा होने वाला है जैसा कि मैंने ओवरऑल आपको सब की सब चीज़ें दिखा दी हैं। अब हम दोस्तों गाड़ी के प्राइस और इंजन के बारे में बातें कर लेते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया हुंडई की i20 मैग्ना मॉडल पेट्रोल वाला मॉडल ये होने वाला है। इसके अंदर जो इंजन दिया गया दोस्तों वो आपको 1197 cc फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर पावर की बात करें दोस्तों 81.86 की पावर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों टॉर्क की बात करें 114.74 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब हम दोस्तों इसके एक्सोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो 7 लाख के आसपास इसका एक्सोरूम प्राइस होने वाला है और साथ में आपको 3 साल की वारंटी गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों हुंडई की आपको कोई भी गाड़ी में आप इंटरेस्टेड है तो चंद्रपुर सिटी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर आकर आप अपना कोई भी गाड़ी आप अपनी परचेज कर सकते हैं। मैं पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 2022 के अंदर आज की डेट में आपको i20 मैग्ना का सेम ये अपडेटेड ये मॉडल देखने को मिलेगा। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप जरूर आके शोरूम पे विजिट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों हुंडई i20 गाड़ी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।